आज हम शकील खान साहब की सालगिरह मनाई गई है। इसका मकसद सिर्फ एक उनको ये साथ दिलाना कि हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं, हम सब आर्ट्स काउंसिल से कितना प्यार करते हैं। और आर्ट्स काउंसिल को मैं कहूंगी, जैसे पाकिस्तान अपनी बाहें खोले रहता है, सारी दुनिया, पहले तो खुद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से, देहातों से, गांव से लोग आते थे पाकिस्तान में, जम हो जाते थे पाकिस्तान, उनको बहुत सॉरी कराची जो उनको अपने बाहों में समेट लेता था। इस तरह आर्ट्स काउंसिल भी है। आर्ट्स काउंसिल ने साबित किया है कि कोई भी शख्स आए, कोई भी तंजीम आए, वो हम लोगों को सीने से लगा लेते हैं। और अमिशा साहब तो मेरे भाई हैं हमेशा, मतलब मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती कि किस तरह वो हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हम हमारी जो छोटी छोटी तंजीमें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो खुद भी इसमें शामिल होते हैं। जाहिर है उतना ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, वो शामिल होते हैं। अब मैंने आर्ट्स काउंसिल को छोटा पाकिस्तान कराची कहना शुरू कर दिया है कि ये भी कराची की तरह हर एक को सीने से लगा। आज खुशखबरी की बात यह है कि 40 मुल्कों से बेहतरीन मूसीकी और ड्रामे और लिटरेचर के पर्सनैलिटीज इस फेस्टिवल में आ रही हैं। ये हम आर्ट्स काउंसिल कराची, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर कोयटा, तमाम जगहों पर अदब को पहुंचाने और अदब के मेले की जिताने के बाद अब ये दुनिया का बहुत बड़ा मेला सज रहा है। और इस दुनिया के इस आलमी सकाफती मेले को आप सब मिस मत कीजिएगा।